आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेन ले लूं मैं जरा। हाँ तो भैया देखो, ऐसा है कि यहाँ पे पहली बात तो हम अभी इस पे डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी पेपर को। लेक्चर ध्यान से सुना करो, सारे सवाल लेक्चर से आए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार जो है वो शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड क्रिश्चियंस एंड इस्लाम, जो एससीज इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए उनको स्टडी करने के लिए एक पैनल बनाएगा। मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर टू। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT ने बोला है कि उन्होंने हरी झंडी दे दी है ना। अब समझिए कि ये जो लॉ है, ये जो मतलब लॉ क्या है, ये जो कमीशन सेटअप की जाएगी, प्रपोजल एमंग द मिनिस्ट्री ऑफ होम इसमें इन्वॉल्व है, लॉ, सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट एंड फाइनेंस, इतनी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है इसमें, और कमिटी एक बनाई जाएगी, एक कमीशन बनाया जाएगा। ये कमीशन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी पेटिशंस पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के पहले, क्या हमको SC रिजर्वेशन दो, दलित्स का बेनिफिट्स दो। मतलब आप समझे कि नहीं समझे, देखो ध्यान से समझो, होता क्या है कि जो SCs और STs हैं, SCs जो कन्वर्ट हो गए हैं इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में, अब वो हो गए क्रिश्चियंस या मुस्लिम्स, ठीक है। अब जो इनको SC में बेनिफिट्स मिल सकते थे वो खत्म हो गए क्योंकि ये तो हो गए हैं क्रिश्चियन मुस्लिम्स, और ये जनरल में आते हैं, अनरिजर्व में आते हैं, UR में आते हैं। दैट मींस यहां पे बहुत सारी पिटिशंस है कि हम पहले SC थे, हमको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमको बेनिफिट्स SC के चाहिए, जो रिजर्वेशंस मिलती हैं जॉब में या जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो सब हमको चाहिए। तो ये पिटिशंस कोर्ट के समक्ष पड़ी हुई है, तो इसी को देखते हुए इस कमीशन को बनाया जा रहा है। वैसे आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए इंटर कास्ट मैरिज होती है, कोर्ट में भी डिसीजन आए कि अगर इंटर कास्ट मैरिज होती है, जैसे कोई ट्राइबल है उसने नॉन ट्राइबल से शादी कर ली, तो यहां पे जो बेसिस है वो फादर की ही कास्ट है, यानी कि जो फादर की कास्ट होगी वही प्रिवेल करेगी। ये कोर्ट ने रमेश भाई दादा भाई नायका वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में ये बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रेसिडेंस जो है वो सेटअप किया था कि इंटर कास्ट मैरिज और अ मैरिज बिटवीन अ ट्राइबल एंड अ नॉन ट्राइबल, देयर मे बी अ प्रेजम्पशन दैट चाइल्ड हैज द कास्ट ऑफ द फादर, दिस प्रेजम्पशन मे बी स्ट्रॉन्गर इन द केस वेयर हस्बैंड बिलोंग्स टू फॉरवर्ड कास्ट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए फॉरवर्ड कास्ट का मतलब ये है कि ऊपर कास्ट, जैसे अगर मान लीजिए कोई ट्राइबल है उसने किसी ब्राह्मण से शादी की, तो उसका बेटा ट्राइबल ST का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ब्राह्मण फॉरवर्ड कास्ट, समझ रहे हो। लेकिन यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एंड एनवायरमेंट ने ये बोला, एम्पावरमेंट में ये बोला कि अगर मान लो कि कोई SC है और उसकी शादी हुई है किसी और से, इंटर कास्ट हुई है, तो जो बच्चा पैदा होगा उसको स्टेटस SC ही वाला मिले, शेड्यूल कास्ट वाला मिले, समझ रहे हो। तो ये यहां पे बात रखी गई। संविधान हमारा क्या कहता है, संविधान हमारा ये कहता है आर्टिकल 341 में कि अगर आप हिंदू हो तभी आप ST को, आप मतलब SCs को आपको आपका स्टेटस मिलेगा। नो पर्सन प्रोफेसिंग अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदू, सिखिज्म और बुद्धिज्म कैन बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, समझ रहे हो। यानी कि सिर्फ हिंदूज देवर क्लासिफाइड एज SCs, बाद में इसको अमेंड किया गया, इसमें सिख भी आए और बुद्धिस्ट भी आए, लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इसमें नहीं थे, समझ रहे हो। यानी कि अगर आप हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम्स या सिख हो, तो अगर आप मान लो SC में कन्वर्ट हो तो आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे, बट इस्लाम और क्रिश्चियंस इसमें नहीं थे, ठीक है। तो अब यहां पे जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है उन्होंने बताया है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारी पिटिशंस ऐसी पड़ी हुई है कोर्ट के समक्ष, तो इसीलिए हमको ये डेटा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके का डेटा जो है वो इससे पहले दिया भी नहीं है। अब आपको बता दूं कि 3 ही हफ्ते दिए हैं, समझ रहे हो, यहां पे 3 हफ्ते दिए गए हैं। अब कमीशन में होगा कौन, देखिए यहां पे 3 मेंबर्स हो सकते हैं, 4 मेंबर्स हो सकते हैं, और एक चेयरमैन होगा। चेयरमैन कौन होगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर चेयरमैन होगा, और एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, हो सकता है 1 साल या 2 साल, कि आपको रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है, ठीक है। अब यहां पर जो भी सिचुएशन है उसको दिखाया जाएगा, कमीशन जो है वो स्टडी करेगी कि कितने ऐसे क्रिश्चियंस हैं या मुस्लिम्स हैं जो SCs में कन्वर्ट हुए और क्या अभी उनकी सिचुएशन है, स्टेटस है, उसी हिसाब से अगर बेनिफिट्स देने हैं तो मिलेंगे, नहीं देने हैं तो नहीं मिलेंगे, वो देखा जाएगा। अलग अलग समय पे कमिटीज आती रही हैं, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने
रिपोर्ट दिया था कि बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, इन्होंने यही इसी समय यूपीए सरकार ने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज पे कमीशन बैठाई थी और इन्होंने बोला था कि भाई बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहां पे स्टेटस को रिलीजन से डीलिंक कर दो, यानी कि अगर कोई एससी है, फर्क नहीं पड़ता उसका कौन सा रिलीजन है, तो उसको एससी स्टेटस दिया जाए। लेकिन यूपीए सरकार ने इसको उस समय खारिज कर दिया और अभी भी ये खारिजी है। 2007 में एक और स्टडी कमीशन इसमें रिपोर्ट आई थी कि मुस्लिम से जो है उनको एससी स्टेटस मिलना चाहिए। यहां पे सरकार ने इसलिए इसको रिजेक्ट किया क्योंकि बहुत ही छोटा साइज है, आपने जो स्टडी की है ना बहुत ही कम लोगों पे की है, हमको और डेटा की जरूरत है। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बोला कि ठीक है हम सारा डेटा दे देंगे, इसकी प्रॉपर स्टडी करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किसको स्टेटस मिलना है किसको स्टेटस नहीं मिलना है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूं इस बार पूरा यूपीएससी का पेपर, मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा आपको दिखाऊंगा कि जो लेक्चर्स हैं वो हमारे वीडियो से आए हैं, सीधा मेरे वीडियो पे उठ के आए हैं स्पेशल हिस्ट्री के, वो पूरा मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा। अगर आपने यूपीएससी मतलब हमारे चैनल को फॉलो किया ना तो आपका यूपीएससी का मेंस आसानी से निकल जाता। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।